ऑटो इज बबल थ्रू वॉटर एट 293 केल्विन, अज्यूम दैट ऑटो एग्जर्ट्स ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.98 बार. फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑटो इन ग्राम पर लीटर. द वैल्यू ऑफ हेनरी ला कॉन्स्टेंट के एच फॉर ऑटो इज. इसने क्या बोला है, सोल्युबिलिटी निकालो ऑटो की. सोल्युबिलिटी किसमें निकालनी है, ग्राम पर लीटर में. ठीक है, के एच दे रखा है जो कि कितना है, ठीक है. तो देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन. तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे ओ टू की. ठीक है, तो देखो पार्शियल प्रेशर कितना है अपने पास, 0.98 है. के एच कितना है, तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू कितना आ जाएगा, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू की क्या वैल्यू आएगी, यानी ये बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, यानी ये मोल्स आ गए. ठीक है, ये क्या आ गए, मोल्स. मैंने मान लिया कि टोटल मोल कितने हैं, 1 है. तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू को मैं क्या लिखूंगी, मोल्स ऑफ ओ टू अपॉन टोटल मोल. तो मैंने क्या मान लिया, टोटल मोल क्या है, 1. कि टोटल मोल क्या होंगे, मोल्स ऑफ ओ टू प्लस मोल्स ऑफ वॉटर. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि आउट ऑफ 1 अगर मैं मोल मानूं तो उसमें से कितने ओ टू के मोल्स हैं. ठीक है, तो देखो नहीं नहीं इसमें थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू है. तो ये क्या आएगा, मोल ऑफ ओ टू अपॉन मोल ऑफ ओ टू प्लस मोल ऑफ वॉटर. ठीक है, और मैं मान लेती हूँ कि 1 लीटर है, 1 लीटर पानी है. ठीक है, तो देखो मोल फ्रैक्शन कितनी है, कितनी कम है ओ टू की, यानी टोटल में से ओ टू की मोल फ्रैक्शन बहुत कम है. इसका मतलब मोल बहुत कम होंगे ओ टू के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इक्वल टू मोल ऑफ वॉटर लिख लेते हैं, क्योंकि ओ टू के मोल बहुत कम है और वॉटर के मोल में जोड़ेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा वॉटर के मोल्स में. ठीक है, टोटल में तो मोल ऑफ ओ टू मतलब ओ टू के मोल अगर वॉटर के मोल में जोड़ेंगे तो जो फाइनली मोल्स आएंगे वो वॉटर के मोल के बराबर ही आएंगे, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो मोल ऑफ वॉटर यानी मैंने क्या लिया था, 1000 ग्राम यानी 1 लीटर पानी लिया है. ठीक है, तो उसका 1000 ग्राम होंगे, 1000 अपॉन 18. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, मोल ऑफ ओ टू आ जाएंगे, मोल ऑफ ओ टू इन 1 लीटर आ रहा है ना, ये मोल ऑफ ओ टू इन 1 लीटर कितना आएगा, 2.8 × 10⁻⁵ × 55.5. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 155.54 × 10⁻⁵. ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेट ऑफ ओ टू. ठीक है, मोल वेट ऑफ ओ टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास. तो 32 × 155 × 54 × 10⁻⁵. तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4977.2 × 10⁻⁵. तो क्या करें, इसको थोड़ा फर्दर सोल्व करेंगे तो 0.05. तो इतना मास ओ टू का किस में है, 1 लीटर वॉटर में. ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि 1 लीटर मान लिया था, 1 लीटर है तो वॉटर का 1 लीटर का कन्वर्ट कर लिया हमने ग्राम्स में, क्योंकि वॉटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो 1000 ग्राम हो गए. तो हमने वॉटर के मोल निकाल लिए, मोल निकाल लिए तो हमने क्या निकाला, वहां से ओ टू के मोल निकाल लिए, फिर ओ टू के मोल निकाल लिए तो क्या हम निकाल लिया, ओ टू का मास निकाल लिया. तो उतना मास ओ टू का 1 लीटर वॉटर में है, कितना, 0.05. ठीक है,